students, today I will explain you another property of concentrated sulfuric acid, that is it as an oxidizing agent. Here students, first of all I will tell you how this sulfuric acid acts as an oxidizing agent. First I will write equation of its decomposition. Yahan pe dekho sulfuric acid hai, decompose kar raha hai. Decomposing into water, sulfur dioxide, and producing nascent oxygen. Clear? यहाँ पे जैसे ये decompose हुआ है तो इसने oxygen produce की है. तो removal of oxygen क्या है? Removal of oxygen. What is removal of oxygen? क्या हुई प्रोसेस, क्या हुई रिडक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हुई है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन. ठीक है, तो इसमें रिडक्शन हुई है. तो आपको मैंने बताया हुआ कि एजेंट क्या होता है? ऑपोजिट. सो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू मस्ट नो हेयर. Now I will give you example of sulfuric acid with non metals, its reaction with non metal. Here you see how it uses its property. Clear? First equation hai carbon plus sulfuric acid. Theek hai, ab yahan pe dekho jaise decomposition hai. Same equation you can write here. Yahan pe you have to learn this equation. If you want to know the basic thing, you must know this equation. Yahan pe aayega water, sulfur dioxide plus this oxygen, and here this carbon will combine with oxygen and form carbon dioxide. So this way you will learn the equation. Okay students, yahan pe क्लियर कर लो दोबारा कि सल्फ्यूरिक एसिड जैसे डीकम्पोजर है वाटर सल्फर डाइऑक्साइड में, जो ऑक्सीजन में डीकम्पोज हुआ तो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ यू कैन बैलेंस द इक्वेशन. यहाँ पे देखो जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे इस साइड हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ये वाली जो ऑक्सीजन है सिंगल है तो ये ऑड नंबर है, तो आप इसको इवन कर लो. यहाँ पे इवन कर लिया इसको. इवन करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन बिकम्स 4, तो यहाँ भी 2 लगाओ. क्लियर? एंड विद 2 सल्फर आल्सो बिकम्स 2, सल्फर के आगे भी 2 आ गया. क्लियर? सो दिस वे यू कैन चेक द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. अनदर रिएक्शन विद नॉन मेटल, दैट इज सल्फर प्लस H2SO4. पहले था कार्बन विद सल्फ्यूरिक एसिड, हेयर सल्फर विद सल्फ्यूरिक एसिड. सो दीज आर द रिएक्शन विद नॉन मेटल्स. ओके, हेयर इक्वेशन तो सेम ही आनी है. पहले आप इसको डीकम्पोज करो तो आपके पास आएगा वाटर सल्फर डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन भी आती है बट यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड ही बनेगी, तो आप दोबारा थोड़ी यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड लिखोगे. ओके, वन टाइम ही लिखोगे, बाद में इसको बैलेंस करोगे. सो दिस पे यू विल गेट द प्रोडक्ट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, एंड हेयर ऑल्सो यू कैन बैलेंस द इक्वेशन. यहाँ पे देखो जैसे आपके पास यहाँ पे सल्फर, यू बैलेंस द ऑक्सीजन फर्स्ट. यहाँ भी जैसे लास्ट इक्वेशन में था, यहाँ पे ये ऑड है. सो हेयर व्हाट यू विल डू, यू विल पुट 2 हेयर. 2 2 इज़ 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी आप क्या लगाओगे, यू विल पुट 2 हेयर. क्लियर? 2 यहाँ लगाने से सल्फर कितने हो गए, 2 सल्फर यहाँ पे एंड 1 इज हेयर, सो यू विल पुट 3 हेयर. सो दिस वे दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड. ओके, सो हेयर दीज इक्वेशंस यू विल लर्न फॉर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई विल एक्सप्लेन, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड इट एक्ट एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज
एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेटिंग. डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेटिंग मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. हेयर कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी यू नो इन मैनी ऑफ द रिएक्शन इट इज यूज एज ड्राइंग एजेंट. तो इसका रीजन वही है कि हैज़ ए ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर, सो इट रेडियली रिमूव वाटर फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, सो दैट्स वाई इट एक्ट एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सो हेयर आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ ए रिएक्शन हाउ इट रिमूव वाटर. तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला लर्न करना है. ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लर्न करोगे तभी आप यहाँ पे शुगर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C12H22O11. रिमेंबर यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मूला ऑफ शुगर. ग्लूकोज से शुगर बनी है तो ग्लूकोज आपको पता है कि सिंगल यूनिट है, तो इसलिए C6 आया. यहाँ पे डबल है, शुगर में डबल आते तो यहाँ पे C12 आया. ठीक है, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आप लिख सकते हो कंसेंट्रेटेड H2SO4 अबव द एरो, क्योंकि वो क्या है, इट विल एक्ट एज ए ड्राइंग एजेंट. उसमें वाटर उसने रिमूव करना है. या आप लिटिल बिट यू नो दैट वेन यू विल हीट शुगर नॉर्मली तो क्या होता है, शुगर टर्न इनटू ब्लैक मास, जो कार्बन होता है उसमें वाटर पूरा एवेपोरेट कर जाता है. तो सेम ही यहाँ पे रिएक्शन आना, ग्लूकोज को हीट करोगे तो क्या आएगा, कार्बन प्लस वाटर. शुगर को हीट करोगे तो कार्बन प्लस वाटर. घर पे भी जैसे आप शुगर हीट करते हो तो एक ब्लैक मास आता है, वो कार्बन है, शुगर चारकोल है, वाटर एवेपोरेट्स. ओके, तो हेयर ऑल्सो वेरी इजी दिस इक्वेशन टू बैलेंस. यहाँ पे 6 कार्बन है तो अभी आगे यहाँ पे 6 लगा दोगे, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन लगा दोगे, इट विल बी बैलेंस्ड. यहाँ भी क्या है, 12 कार्बन है, यू विल पुट 12 हेयर, 22 है हाइड्रोजन, 11 यहाँ पे लगाओगे, देन इक्वेशन इज बैलेंस्ड. बट फॉर द डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी रिमेंबर स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर मॉलिक्यूल. इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे भी कार्बन आना एंड वाटर आना, यहाँ पे कार्बन एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यू हैव टू राइट अबव द एरो. एंड वन मोर इक्वेशन हेयर यू विल डू इन दिस डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, दिस इज कॉपर सल्फेट. यू नो कॉपर सल्फेट विद 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या इसका नेम है, दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एंड यू नो इट्स कलर इज ब्लू. एंड यहाँ पे क्या है, हेयर ऑल्सो यू विल राइट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. यू नो दैट फ्रॉम कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इफ यू वॉन्ट टू रिमूव वाटर तो आप इसको हीट भी कर सकते हो. बट वी आर डूइंग द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे आपको हीट नहीं करना है. बट यू हैव टू ऐड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे आप क्या आएगा, वाटर ये रिमूव कर देगा. तो इक्वेशन वेरी सिंपल, कॉपर सल्फेट यू विल राइट हेयर, वाटर को आप सेपरेटली लिख दोगे 5H2O. सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड बिकॉज सिंपली वी आर सेपरेटिंग द वाटर. तो यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल एंड वी आर राइटिंग हेयर. And here in these two properties, student, remember one thing, you will not forget to write above the arrow the concentrated sulfuric acid. If you are missing this word concentrated also, then you will not get marks here. And here, this question can be observation question here. First hai, but what do you observe when concentrated sulfuric acid added into sugar aa sakta hai, और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन टू ग्लूकोज. सो वट विल बी द आंसर इन ऑब्जर्वेशन, रिमेंबर इन योर बुक ऑल्सो यू कैन मार्क, आपका आंसर आना ब्लैक स्पंजी मास. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑब्जर्वेशन, कि वट डू यू ऑब्जर्व वेन कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन टू ग्लूकोज और शुगर, दोनों का सेम ही आंसर आना ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन.
carbon is formed or rises up, anything you can write is formed. And here in this, aapko pata hai, copper sulphate when it is with water, hydrated copper sulphate iska color blue hai. Jab water evaporate hota hai, to what will happen? Its color will turn white. So here you can write the color, change of the color in the observation question. Ki what do you observe when concentrated sulfuric acid is added into hydrated copper sulphate? You will write its color turn from blue to white. So this way you will prepare these two observation questions and along with the equations. Okay, thank you students.